दोस्तों, मैं हूं राजदेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजायावर, और आज हम आपको बिरहोर के टांडा में स्थित उसके घर के बारे में बताएंगे। वैसे तो घर इनका मिला हुआ है और ये पक्का मकान में रहते हैं अधिकतर लोग, लेकिन आज भी अपने कल्चर को इन्होंने छोड़ा नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी झोपड़ी में रहते हैं। इनकी झोपड़ी थोड़ी नायाब होती है, देखिए छोटी सी झोपड़ी हम आपको दिखा रहे हैं इनकी, ये इनकी झोपड़ी है। तो आज हम इसके झोपड़ी के अंदर में जाके देखेंगे और इनसे बात भी करेंगे कैसे रहते हैं पूरे परिवार के साथ। हमारे साथ बने रहिए। देखिए आज का हमारा कहाँ रहो, एकरम में है बेटा, एकरम रहो। हाँ तो कहाँ ना मिल लो तोरे झोपड़ी, नहीं मिल लो तोरा, नहीं मिल लो, अंदर जाके देखियो, चलो चल ना ऑन। ये देख लियो भैया, ये देखिए, ये जो है इस तरह से बनती है इनकी झोपड़ी। हाँ एक मिनट जरा से देखिए बहन जी हमारी, इसको ऐसे, ये छोटा सा जगह है माँ। तो खाना कहाँ बनाती है माँ? खाना बाहर में, बाहर। अच्छा, और ये झोपड़ी अंदर से ना। और वो माँ वो प्रयासिन के मतलब प्रयासिन जकर मासी कोसी वो ओकरा ओकर खातिर वहाँ पर है वो। तो कितना दिन रहे ओकर में माँ? चार पाँच दिन, छः दिन, चार पाँच दिन रहे। जितना दिन होते उतना दिन। तो ठंडवा में फिर कैसे रहो आदमी? रस्म जोड़े हो अब, मतलब आग जलाती है ये, रस्म का अर्थ आग हुआ, आग जला। अंदर जाके देखियो माँ, तो देखिए भाई अंदर इस हम आने की कोशिश करते हैं भाई। बाप रे बहुत कंजेस्टेड है यार। ये देखिए ये है, ये छोटी सी जगह है, इन्होंने बोतल रखा है, थोड़ा थोड़ा कुछ है इसमें, ये कंबल है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कपड़े डाल रखे हैं, छोटी सी जगह में कपड़े हैं। यहाँ देखिए ये जो जगह आप दिख रहे हैं, ये जो चीज़ है ये फांसा है, ये फांसा है, इसमें फंसाते हैं तीतर वगैरह। तो तीतर वगैरह फंसाने की चीज़ है वो, काम कमानी से, छाती की कमानी से बना हुआ है। और ये बहुत ही छोटा सा है, इसमें परिवार रहने लायक तो जगह नहीं नज़र आती। तो भाई ये देखो, और ऊपर से दिखला है आपको, हम देखिए ऐसे इस तरह से होता है। ये देखिए ये बच्चा हमारे साथ में, क्या नाम बेटा तुम्हारा? ₹5 दो बेटा, तो ठीक है। ये देखिए ये बच्ची है। कौन सी पढ़ोई? हाँ। कौन क्लास में पढ़ोई? पढ़ाई, अच्छा ठीक, ये पढ़ता है बच्चा बता रहा है। तो देखिए भाई ये जो है, ये छोटी सी जगह है, बहुत ही छोटी है, और ऐसे इस तरह से होता है, इसमें लकड़ियाँ डाली गई होती हैं। ये देखिए लकड़ियाँ ऐसे डाली हुई हैं। चलते हैं भाई, तो बाहर निकलते हैं। देंगे बेटा, अरे बाप रे, निकालते समय तो थोड़ा हालत खराब हो गई मेरी। तो देखिए ये जंगल के बीच में बसा हुआ है, और पूरी तरह से तो मैं तो हो गलो। तो यहाँ पर यहीं पर खाना बना हुआ है, खाना बना हुआ है। नाम कौन सी बतली माँ? तो नाम मालिक के, अपन नाम कुंती देवी। कुंती देवी, ये कितना घर है माँ? 30-35। कितना कंजस्टेड है ये, कैसे रहते होंगे ये? लेकिन अपने रीति को, अपने रिवाज को ही छोड़ना नहीं चाहते, ठीक भी है, लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुसार इनको ढलना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब इन पर निर्भर है ये क्या करते हैं। सरकार को भी चाहिए, अगर ऐसे लोग जो बच गए हैं और जिन्हें झोपड़ी नहीं मिल पाई या जिन्हें आवास नहीं मिल पाए, उसे वो दिलाए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे एक चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।